हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विच के बारे में। ये एक्टिवा के स्विच होते हैं और ये काम करना बंद कर देते हैं, इसे किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ चुके हैं। ये देखिए मेरे पास ये स्विच है, एक्टिवा का मिंडा का स्विच है। ठीक है दोस्तों, ये बटन दबाने पे काम नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसे मैंने इसको खोल रखा हुआ है। तो इसे किस तरीके से रिपेयर करेंगे ये भी मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। ठीक दोस्तों, तो इसे हम ये खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे ये और इधर भी लॉक लगा हुआ है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हम इसे खोल लेंगे, ये पेचकस से इस तरीके से खोल लेंगे। ठीक दोस्तों, आराम से खोल लीजिएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है खोलने में इसको। और ये लॉक, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आराम से लॉक खोल लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों खुल गया है, ये देखिए दोस्तों खुल गया है। और ये काम क्यों नहीं करता ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, इधर साइड में आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर ये कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन लग जाता है और इस पर भी यहाँ पर कार्बन लग जाता है, ये वाले पॉइंट पर कार्बन लग जाता है। ये देखिए दोस्तों कार्बन लग जाता है, जैसे स्विच आपका ये पुश करता है तो इसमें सही से टच नहीं हो पाता है, तो वैसे ये काम नहीं करता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को हम साफ़ करेंगे, तो इसे हम इस पॉइंट को साफ़ करेंगे। तो दोस्तों मेरा सुझाव है कि ऐसा आरी ब्लेड या आपके पास इमरी पेपर हो, इमरी पेपर से अच्छी तरीके से साफ़ होता है। मेरे पास इमरी पेपर नहीं है, आरी ब्लेड है, इसलिए हम इससे साफ़ करेंगे इसको। इस तरीके से खाली पॉइंट घिस दीजिएगा आराम से। ठीक दोस्तों, इस तरीके से आराम से घिस दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों इसका कार्बन छुटा देना। ये देखिए दोस्तों पहले किस तरीके का था, बिल्कुल काला काला था, अब देखिए दोस्तों बिल्कुल फिक्स हो गया है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से का कार्बन हम छुटा देंगे और अच्छी तरीके से छुटा देंगे। देखिए दोस्तों काला काला था, ये चमक गया है, ये देखिए दोस्तों ये चमक गया है। ठीक दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल चमक गया है। इसी तरीके से हमको इसका भी पॉइंट चमका देना है। ये जो देखिए दोस्तों ये पॉइंट है, इसको भी सही कर देना है। ठीक दोस्तों, ऐसे भी हम इस तरीके से साफ कर देंगे। हम साफ़ कर देंगे, ये वाला पॉइंट साफ़ करेंगे। देखिए दोस्तों ये साफ़ हो गया है, मैं आपको फोकस करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये पॉइंट साफ़ हो गया है। ठीक दोस्तों, साफ़ हो गया है, ये भी साफ़ हो गया है, ये दोनों को अब सेट कर देंगे हम। इसे हम सेट कर देंगे, ये यहाँ पे लॉक लगेगा इधर, इस तरीके से रख के इसे पुश कर दीजिएगा, चारों तरफ से पुश कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये आपका स्विच कंप्लीट हो जाएगा। ये स्विच हम लगा के देखेंगे, ये आपका स्विच काम करने लगेगा। तो दोस्तों ये मैं लगा के नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, लेकिन ये 101% है कि ये रिपेयर हो गया है, ये काम करेगा। ठीक दोस्तों, आप इसे घर में लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और आपको ये स्विच रिपेयर करके आप लगा के चेक कीजिएगा, अगर आपका स्विच काम करता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।